नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी का ढोकला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक कटोरी सूजी ले लिया है। अब एक बाउल ले लेते हैं। मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया, एक कटोरी सूजी हम इसमें डालेंगे। मैं बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली हूँ। अगर मोटा सूजी आप लें तो थोड़ा सा उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लें तो हमारा बारीक हो जाएगी सूजी। मैंने उसी कटोरी से एक कटोरी दही ले ली है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, सूजी और दही हमारा मिक्स हो चुका है। मैंने बिल्कुल बराबर में लिया, जितना मैंने सूजी लिया है उतना ही मैंने दही लिया है। अब इसको हम ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद फिर हम बनाएंगे। जब तक हमारा सूजी फूल रहा है तब तक हम ढोकले की चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन में हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें एक चम्मच उड़द का दाल डाल देंगे, साथ में दो लाल मिर्च और एक बड़ा प्याज कटा हुआ। थोड़ी सी मैंने इसमें हरी धनिया की पत्ती डाली है। हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक टमाटर कटा हुआ डाल देंगे। जैसे टमाटर डालेंगे वैसे हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब नमक हमने डाल दिया। अब टमाटर अच्छे से गल जाए इसलिए हमने तुरंत इसमें नमक डाला। थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के रख देंगे। इसको ढक के हम 4 से 5 मिनट के लिए छोड़। 4 से 5 मिनट हो चुका है। हम अपना चेक कर लेते हैं। तो टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। एक दो चम्मच हम इसमें नारियल का बोरा डाल देंगे। सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। नारियल के बूरे से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल मिठास आती है अच्छी सी। हमारा पेस्ट तैयार हो गया। मिक्सी ठंडा होने के बाद हम मिक्सी में इसको पीस के चटनी बना लेंगे। हमारा पेस्ट ठंडा हो चुका है। अब इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका बारीक चटनी बना। तो मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया। अब इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देंगे। इसका बारीक पेस्ट पीस के हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी चटनी बन चुकी है। हमारी चटनी बन के तैयार हो गई। आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देते हैं। तो ये मैंने शिमला मिर्च, अदरक और मिर्च का अच्छे से कूट लिया है। ये गाजर, ये हरी धनिया और ये प्याज बारीक कटा हुआ, ये सब कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। सारे वेजिटेबल हमने इसमें डाल दिया। अब एक दही से ज़्यादा खट्टापन आए इसकी वजह से हम थोड़ा सा आधे नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डाल दिया। अब हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको बैटर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें, क्योंकि मेरा बैटर ज़्यादा गाढ़ा है इसलिए मैंने इसमें आधे कप पानी ऐड कर दिया। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे।
बिल्कुल हमारा जितना हमें चाहिए गाढ़ा उतना बन चुका हमारा पेस्ट। तो मैंने ऐसे 4 कटोरी ले ली है, तो हमारा रवा ढोकला इसी में बनेगा। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ज़रा ज़रा सा ऑयल डाल के इसको, तो ज़रा ज़रा सा मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है और टिश्यू पेपर से इसको पूरा चारों तरफ ऐसे लगा लेंगे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इसको चिकना कर दिया ताकि हमारा ढोकला आराम से निकल जाए। इसमें हम खाने वाला सोडा डालेंगे, मैंने इस चम्मच से 1 चम्मच खाने वाला सोडा डाला है। बिल्कुल ज़रा सा इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, बिल्कुल अच्छे से हम इसको इसमें फैट लेंगे। तो मैंने अच्छे से इसको मिला लिया। अब अच्छे से हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। तो ये देखिए मैंने 4 कटोरी में डाल दिया, थोड़ी थोड़ी इसमें जगह बाकी है ताकि हमारा जब रवा ढोकला फूलेगा तो ऊपर तक आ जाएगा। मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, उसमें मैंने पानी गर्म कर लिया है, तो हमारे पानी में अच्छी उबाल आ गई है। तो इस पतीले के ऊपर ये हम ऐसी वाली थाली रखेंगे, छेद वाली थाली, इसके ऊपर हम अपनी कटोरियाँ रख। देखिए मैंने इसमें अपनी 4 कटोरियाँ आ जाएंगी और बड़ा पतीला है, इसमें मीडियम फ्लेम पे पानी उबल रहा है। तो देखिए पतीले के ऊपर मैंने थाली रखी है, उसमें हमारी 4 कटोरियाँ आ गई हैं। अब हम इसको अच्छे से ढक देंगे, तो हमने बराबर प्लेट से ढक के 25 से 30 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 25 से 30 मिनट हो गया है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ढोकला कितना खूबसूरत बन चुका है। अब हम इसको एक चाकू के मदद से चेक कर लेते हैं। चाकू को ऐसे डाल के देखिए, देखिए कि अभी हम 2-3 मिनट और पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हम और इसको पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुका है, हम इसको चेक कर लेते हैं दोबारा। हमारा ढोकला पक चुका है, हमारा ढोकला पक चुका है। अब इसमें लास्ट हम तड़का लगाएंगे। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम राई डाल देंगे। हमारी राई चटक चुकी है, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया, हमारा तेल ज़्यादा गर्म हो गया और अब इसमें हम डालेंगे कढ़ी पत्ते। तो हम इस पे अपना तड़का डाल देंगे। तो ढोकले के ऊपर मैंने तड़का लगा दिया, बिल्कुल जब ठंडा हो जाए कटोरी तो हम ढोकले को बाहर निकालेंगे, वरना हमारा ढोकला टूट सकता है। चाकू की मदद से किनारों को इसको ऐसे निकाल देंगे, ऐसे कर देंगे, तो आराम से हमारा ढोकला बाहर आ जाएगा। देख लीजिए मैंने चारों को जब ठंडा हो गया आराम से कटोरी से बाहर निकाल लिया। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना खूबसूरत हमारा, कितना स्पंजी। एक मैं काट के आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट कितना स्पंजी हमारा ढोकला बना है। तो ढोकला बनाइए और खाइए चटनी के साथ। बेस पूरा सब्जियों से भरा, विटामिन से भरी हुई ढोकला, तो सूजी का ढोकला बनाइए खाइए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगे
अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।